छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में महज 30 सीटों की एक सूची में ही भीतर शुरू हुई बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार कहलाने वाले कांकेर जिले से बगावत का आगाज हुआ है। कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, जिसके बाद से उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। अनूप नाग अपने समर्थकों के साथ में नामांकन फॉर्म लेने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंतागढ़ विधानसभा के लिए अपने नाम से एक नामांकन फॉर्म खरीदा। बता दें कि कांग्रेस ने अंतागढ़ विधानसभा से अनूप नाग का टिकट काटकर रूप सिंह पोटाई को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने के बाद से अनूप नाग और उनके हजारों समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ के समक्ष ही अनूप नाग नहीं तो कोई नहीं के भी नारे लगाए। अब बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की बगावत और गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है, लेकिन आगे देखना होगा कि अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से समझौता करेंगे या सेटलमेंट करेंगे, क्या कुछ होगा देखने वाली बात है। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया। और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। लगातार जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है, मेरे पूरे परलकोट क्षेत्र के, अंतागढ़ विधानसभा के क्षेत्र, सुदूर गांव के माता बहने सब आहत हैं और लगातार फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जब मैं टिकट से वंचित हो गया कहने के बाद, वही जनता, वही वोटर्स, वही मेरे लोग मुझे लगातार कहते रहे कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसी लोगों का पालन